हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख आमिर खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने संविधान क्यों और कैसे चैप्टर को देखा था। इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के आगे के पार्ट को देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम अब देखते हैं हम सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, संविधान ने तो हमें यह बता दिया कि सरकार होगी और सरकार के पास यह शक्तियाँ होंगी, लेकिन सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है संविधान का। तो संविधान ने जहां पर सरकार को कुछ शक्तियां दी हैं, वहां पर सरकार की शक्तियों पर क्या किया गया है, सीमाएं भी लगाई गई हैं। यदि मान लीजिए सरकार को क्या कर दिया जाए, पूरी शक्तियाँ दे दी जाए, तो हो सकता है हमने जो जिन प्रतिनिधियों को चुना है, हो सकता है वह कल मनमाने तरीके से क्या करने लगे, हम पर राज करने लगे। तो इसलिए हमारे संविधान ने वहाँ पर उनकी शक्तियों में क्या किया है, उनकी शक्तियों में अंकुश भी लगाया है, उनकी शक्तियों में सीमाएँ भी लगाई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे संविधान ने कुछ ऐसी बुनियादी बातें और प्रावधान भी रखे हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, जिसका एक उदाहरण दिया गया है मौलिक अधिकार को, है ना। अब यदि मान लीजिए आपके पास जो मौलिक अधिकार है, आपने पढ़ रखा होगा मौलिक अधिकार हमें कितने मिले हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, है ना। कौन कौन सा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये जो 6 अधिकार हैं हमारे, ठीक है ना, तो यह जो अधिकार हैं, यह अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और यह अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। मान लीजिए कल कोई सरकार आती है और वह कहे कि हम आपसे मौलिक अधिकार आपके छीनना चाहें, तो यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि यह शक्तियाँ हमारे संविधान ने सरकार को नहीं दी है, ठीक है ना। इसलिए हमारे संविधान ने क्या किया है, जहाँ पर सरकार को कानून बनाने की शक्तियाँ दी हैं, तो वहीं पर उसी सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी रखी हैं, ताकि कोई भी राजतंत्र जैसा माहौल या राजतंत्र जैसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न ना हो पाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से हमें संविधान का तीसरा काम देखने को मिलता है, और वह क्या है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, ठीक है ना। तो संविधान क्या करता है कि सरकार द्वारा जो भी नागरिकों पर लागू करे गए कानून हैं, उस पर सीमाएं लगाएं, और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसे उल्लंघन नहीं कर सकती, है ना। तो मतलब कभी भी कितने ही बड़े सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, कभी भी वह क्या नहीं कर सकती, जो सीमाएं संविधान ने लगाई हैं उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान को सर्वोपरि माना गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, ठीक है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। तो पुराने संविधान द्वारा केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और समाज की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, जिससे कि हम ब्रिटेन का संविधान का उदाहरण ले लें। तो ब्रिटेन के संविधान में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर केवल सिर्फ निर्णय लेने की शक्तियाँ और वितरण की शक्तियाँ जो होती थी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका होगी उनको ये शक्तियाँ होंगी और उनकी शक्तियों का वितरण कर दिया, बस यही काम कौन करता था, संविधान करता था, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्त दे सके, ठीक है। मतलब सिर्फ संविधान का कार्य यह नहीं है कि वह शक्तियाँ दे दे और उस शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगा दे, बल्कि संविधान ऐसी शक्तियाँ देता है जिससे जो समाज की आकांक्षाएं हैं और एक सुदृढ़ समाज की जो लक्ष्य है वह भी क्या हो सके, पूरा हो सके। जैसे कि एक समाज के आकांक्षाएँ और उसके लक्ष्य क्या होते हैं, भाई जातिगत जो भेदभाव है वह कम हो सके, तो यहाँ पर शक्तियाँ दी जाती हैं सरकार को कि वह ऐसी ऐसी कल्याणकारी क्या बनाए, योजनाएँ बनाए, नीतियाँ बनाए जिससे क्या हो सके, असमानता समाप्त हो सके, ठीक है ना, गरीबी, बेरोजगारी ऐसी चीज़ें क्या हो सके, कम हो सके, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, ठीक है ना, कल्याणकारी योजनाएँ बनाना। यह सभी अधिकार जो होते हैं वह किन्हें दिए जाते हैं, सरकार को दिए जाते हैं, ताकि जो समाज की आकांक्षाएँ हैं, है ना, और जो अपेक्षाएं हैं समाज के, जो लक्ष्य हैं वह क्या हो सकें, पूर्ण हो सकें। तो
इसलिए सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनको और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से संतुलन बनाए रखा है हमारे संविधान ने, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने किस तरीके से संविधान का निर्माण किया है कि वहाँ पर सरकार की शक्तियाँ भी देना है और उन पर अंकुश भी लगाना है, ताकि एक संतुलन बना रहे। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा सीमाएं लगा दें तो सरकार क्या कर सके, ऐसी कल्याणकारी योजना ही ना बना पाए कि वह क्या कर सके, लोगों का कल्याण कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया गया है वहाँ पर, समाज की अपेक्षाओं और लक्ष्य को पूर्ण करने का काम भी कौन करता है, हमारा संविधान करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए दक्षिण अफ्रीका नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास इसके उदाहरण है ना, देखा गया, सुना होगा आपने कि दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ली भेदभाव चलता था, है ना, काले गोरे के बीच में जो भेदभाव चलता था, उसके आधार पर क्या होता था, वहाँ पर जो सरकार थी वह जो गोरे लोग थे उन्हीं को ही ज़्यादा क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी। ठीक है ना, तो इसलिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संविधान जो है वह वहाँ के लोगों को, उस देश के नागरिकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला होना चाहिए। तो भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित वह सभी मिलना चाहिए, जिसके आधार पर गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जी सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी भौतिक ज़रूरतें, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद शिक्षा को सबसे प्रथम रखा है कि यह सभी सबको मिलना चाहिए। अब देखिए आपकी पुस्तक में एक ये इमेज दी गई है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किस तरीके से ये जो जवाहरलाल नेहरू हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना, किस तरीके से हर दोनों तरीके से यहाँ पर लोगों को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, है ना। तो यह जो कार्टून है वह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय संविधान लोगों की अपेक्षाओं और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो चौथा काम है संविधान का, वह क्या है कि वह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, है ना। मतलब सरकार को ऐसी शक्तियाँ प्रदान हो, उसको ऐसी क्षमताएं प्रदान हो जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, है ना, ताकि क्या हो सके, लोगों को वहाँ पर न्याय मिल सके और लोग उचित परिस्थितियों में भी क्या कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ पर बुक में आपको दिया हुआ है कि संविधान के समर्थ बनने वाले प्रावधान, उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नियम सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जो नियम और कानून बनाए, ठीक है, बल्कि सरकार को ऐसी शक्तियाँ भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके, है ना। तो मतलब सरकार को शक्तियाँ भी देनी है और उन पर, उन शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी लगानी है। ठीक है ना, मतलब सीमाएं इस तरीके से नहीं लगानी है कि वह कुछ कल्याणकारी योजना ही ना बना पाए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। ठीक है ना, वहीं पर इंडोनेशिया की सरकार की बात करें तो जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा और व्यवस्था बनाए रखें और उसका संचालन कर सकें। ठीक है ना, और गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। तो इस तरीके से अलग अलग देश के संविधान में अलग अलग तरीके से क्या किया गया है, वहाँ पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम राष्ट्र की बुनियादी पहचान। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बुनियादी पहचान। देखिए इसका उदाहरण ऐसे समझिए आप कि यदि आप
बाहर किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको आपको कोई आपके नाम से या आप किस धर्म से हैं, किस भाषा को बोलने वाले हैं, किस प्रदेश से आते हैं, किस गांव से आते हैं, इससे नहीं पहचानेगा। बल्कि आपको अगर आप अमेरिका घूमने जाते हैं तो अमेरिका में आपको किससे पहचाना जाएगा कि आप कौन हैं। आप एक भारतीय हैं, क्योंकि यह आपकी क्या है, बुनियादी पहचान है। हम सब की बुनियादी पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं। तो यह हमें कौन देता है, हमें हमारी नागरिकता कौन प्रदान करता है, तो हमें हमारी नागरिकता प्रदान करता है हमारा संविधान, ठीक है ना। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, ठीक है ना। तो किसी समाज की जो बुनियादी पहचान होती है कि यह समाज है, तो उसकी जो बुनियादी पहचान होगी वह किससे जाना जाएगा, वह जाना जाएगा अपने राष्ट्र के नाम से। तो वह हमें कौन देता है, वह देता है हमें हमारा संविधान, ठीक है ना। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। विश्व में हम कहीं भी चले जाएं, हमारी पहचान हमें कौन देता है, संविधान ही देता है ना। हमारे अनुच्छेद में बताया गया कि अगर हम भारत में जन्म लेते हैं तो हमें नागरिकता मिलती है भारत की। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो वह हमारी क्या है, एक बुनियादी पहचान है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ देश में जैसा कि अगर हम किसकी बात करें, जर्मनी की, है ना, अगर हम बात करें किसकी, जर्मनी की, तो जर्मनी की यदि हम बात करते हैं तो जर्मनी में नस्ल के आधार पर वहाँ पर नागरिकता मिली हुई है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें भारत की, तो भारतीय संविधान जाति या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता, है ना। यहाँ हमारे लिए, भारत के लिए सभी धर्म, सभी भाषा के लोग, सभी जाति के लोग क्या हैं, बराबर हैं। और सभी क्या हैं, सभी की पहचान क्या है कि वह क्या है, एक भारतीय हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से उस दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं जिससे उस देश का शासन प्रशासन चलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें सामान्य रूप से, तो संविधान क्या होता है, संविधान एक दस्तावेज होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उस देश का शासन प्रशासन किस तरीके से चलेगा, यह चीज़ें क्या होती हैं, वर्णित होती हैं, ठीक है ना। तो संविधान के प्रचलन में लाने के क्या क्या तरीके रहे हैं, ठीक है, कि क्यों हमने संविधान को प्रचलन में लाया। क्या यदि संविधान नहीं होता, ठीक है ना, संविधान यदि नहीं होता तो क्या ऐसा होता कि हम अपना जीवन जिस तरीके से आज जी रहे हैं उस तरीके से जी पाते, ठीक है। तो आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम समझते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान की अगर हम बात करें तो वह कौन कौन से हैं, भारत का संविधान, अफ्रीका का और अमेरिका के रहे। यह सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बने, ठीक है। तो इन्हें सफल आंदोलन क्यों कहते हैं, या सॉरी सफल संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इन देशों के जो संविधान है वह किससे बने, सफल राष्ट्रीय आंदोलन से बने। आपने सुना होगा भारत में, भारत स्वतंत्रता से पहले भारत में किस तरीके से आज़ादी के लिए कितने आंदोलन हुए, चाहे हम असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो गांधी जी के आंदोलन थे, इससे पहले भी कई आंदोलन चलाए गए, ठीक है ना। तो कई सारे आंदोलनों के बाद हमें ये सफलता मिली है और इसी का परिणाम क्या मिला है, इसी का फल हमें मिला है हमारा संविधान। इसलिए विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में से एक भारत का संविधान भी है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान भाषा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया, ठीक है ना। तो कब से कब तक के बीच में बनाया गया, तो मतलब ये बनाया गया दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के मध्य में भारत का संविधान जो था वह क्या हो गया, तैयार हो गया था। इसके बारे में और अभी हम आगे गहन अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा ली और लोगों को निर्माताओं का पर पूरा विश्वास था, है ना। तो देखिए जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान बनने के बाद में संविधान के लिए कोई वोटिंग नहीं हुई कि क्या हमें ये संविधान को लागू करना चाहिए, संविधान सही है या गलत, क्यों। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसको, हमारे जो संविधान था भारत का, उसके जो निर्माता थे वह कौन थे, वह राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हुआ करते थे। क्योंकि लोगों का इतना भरोसा था, लोगों का इतना विश्वास था हमारे नेताओं पर, तो हमारे लोगों ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम।
भारतीय संविधान पर कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ है, ठीक है ना, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी वोटिंग भारतीय संविधान पर नहीं हुई है। लोकप्रिय नेताओं ने इसे बनाया, इसलिए भारतीय संविधान सफल रहा और इसे वैधता भी मिली, है ना। चाहे हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, चाहे बात करें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, है ना, इस तरीके के जो लोकप्रिय नेता हुआ करते थे, क्योंकि इन लोगों की सहभागिता से यह पूरा तैयार हुआ यह दस्तावेज हमारा संविधान, इसलिए यह संविधान बिल्कुल भारतीय संविधान सफल रहा और इसे वैधता भी मिली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के पार्ट को देखेंगे।